सुहागिन महिलाएं भूलकर भी नवरात्रि में न करें ये पांच काम वरना पति हो जाएगा कंगाल। हिंदू धर्म में हर महीने में कोई न कोई त्योहार जरूर मनाया जाता है। यहाँ हर त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है नवरात्रि का त्योहार जो कि कुछ आने वाला है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान माता रानी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उनके जीवन से सभी दुखों को दूर करती है व उनकी झोली खुशियों से भर देती है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से माता रानी गुस्सा हो जाती है। खासकर की महिलाओं द्वारा ये काम नवरात्रों पर नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से है ये पाँच काम जिन्हें किसी भी महिला को नवरात्रों पर नहीं करना है। घर में खाना बनाने के लिए हर कोई लहसुन और प्याज तो डालता ही है, लेकिन नवरात्रों में लहसुन और प्याज का सेवन करना माता रानी के क्रोध को बढ़ा सकता है। इसकी गंध से घर का पूरा वातावरण दूषित होता है, इसलिए इन नवरात्रों में लहसुन और प्याज का सेवन न करें तो सही है। अगर आप नवरात्रि में माता रानी का कलश स्थापित करते हैं तो फिर घर में दाढ़ी मूछ बाल या फिर नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी आपसे गुस्सा होती है। नवरात्रों में घर में मौसम मदिरा का प्रयोग न करें और न ही आप इसे बाहर खाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं और माँ दुर्गा भी आपसे क्रोधित हो जाती है। इन नवरात्रों पर अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। अपने पति व पार्टनर से दूरी रखें। जब तक आप व्रत करते हैं तब तक अपने आप को पवित्र रखना बेहद जरूरी होता है। अक्सर महिलाएं पूरा दिन घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि वे अपने श्रृंगार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, जबकि इन नवरात्रों पर आपको खुद को सजा कर रखना है और हो सके तो आप सिंदूर और बिंदी जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती है।